बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, नर्सिंग स्टूडेंट्स निकले मास्टरमाइंड, मौज मस्ती के लिए चुराते थे बाइक्स, चार शातिर चोरों से 16 बाइक बरामद। बाड़मेर जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद चौंकाने वाली बात का खुलासा हुआ। चोरी करने वाले गैंग के सदस्य नर्सिंग छात्र हैं। उस सीसीटीवी फुटेज को डेवलप करके एक गोविंद बिश्नोई, जो उम्र 19 साल है और यहाँ का भोलेनाडी का है, बुढ़ा मरानी का रहने वाला है और फर्स्ट ईयर में यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नर्सिंग कर रहा है, तो हमारी टीम ने उसको तुरंत उस फोटो के आधार पर दस्तयाब किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये 19 से 22 साल के युवा हैं, जो शौक और मौज मस्ती करने के लिए बाइक की चोरी करते थे और सस्ते दामों में बेच देते थे। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड पर्वत सिंह, गोविंद बिश्नोई, साहिल और जगदीश कुमार मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर 16 चोरी की बाइक बरामद की है। इनका मेन मकसद था मौज मस्ती और अपने समाज में रुतबा दिखाना, और ये जो मेन पर्वत सिंह भाटी जैसलमेर जिले का वो सरगना है, वो सस्ती रेटों पे ये लोगों को जो बाइक चोरी करके बेचते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपियों से कई और खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों को आगाह किया ताकि शहर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस विशेष निगरानी रख सके। न्यूज 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। राजधानी के जोरावर गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि NIA में आयुर्वेद दिवस के मौके पर रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा, हेरिटेज नगर निगम की कुसुम यादव, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ शर्मा और संस्थान के कुलपति संजीव शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। NIA के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब से आयुर्वेद दिवस को मनाने की घोषणा की है, तब से हर साल आयुर्वेद से जुड़ने के लिए दिवस को धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। रन फॉर आयुर्वेद सांगानेरी गेट से वापस NIA में सम्पन्न हुआ। 6 किलोमीटर की रन फॉर आयुर्वेद में चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थियों ने भाग भी लिया। NDPS दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से विशेष अभियान का आगाज किया गया है। 11 नवंबर तक चलने वाले अभियान को लेकर आयुक्तालय ने सभी ADC, DC को इस कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिलों के सभी अधिकारियों को दवाओं के अवैध क्रय, विक्रय, भंडारण में लिप्त लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। ये चौथा अभियान चला जा रहा है, जिसमें NDPS दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे सभी सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक एक सतत अभियान के तौर पर जो इस कारोबार में संलिप्त लोग हैं उनको चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करें, और इसमें यदि पुलिस और उसकी आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यक इमदाद लेके आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार करें। और कंप्यूटर ने भले ही पारंपरिक बही खातों के व्यापार को हाशिए पर ला दिया हो, लेकिन दिवाली पूजन में व्यापारी अभी बही खातों की ही पूजा करते हैं। हालांकि इसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि नई पीढ़ी के कुछ लोग आधुनिक लैपटॉप कंप्यूटर की पूजा भी करने लगे हैं, लेकिन जो व्यापारी अभी वही खातों में से ही पूजा दिवाली पूजन पर कर रहे हैं, वही खातों के साथ व्यापारी तराजू और नाप माप के औजारों की भी पूजा करते हैं। तराजू अब डिजिटल हो गया है। व्यापार में उतार चढ़ाव और लाभ हानि के सौदे साल भर कंप्यूटर के पर्दे पर दर्ज होते रहते हैं, लेकिन जब दिवाली का मौका आता है तो व्यापार से जुड़े लोगों ने पारंपरिक वही खाते के आगे ही श्रद्धा में सर झुकाया है।
हाथ में बही खाता थामे व्यापारी राजेश बख्शी कहते हैं कंप्यूटर अपनी जगह है, बही खाते अपनी जगह है। ये पुरखों की बताई पूजा की विधि है जो बेहद जरूरी है। जिसका जैसा व्यवसाय होता है वैसी ही पूजा भी होती है। दहियों का बहुत महत्वपूर्ण रहा, जो व्यापारी इसमें लेखा जोखा हिसाब किताब सभी रखते हैं, परंतु जो पुराने वर्ग के लोग हैं वही व्यापारी हिसाब किताब रखते हैं। आज के नवयुग लैपटॉप कंप्यूटर पर ही हिसाब रखते हैं। ये इनका सिर्फ एक आज की तारीख में अब सिर्फ एक मुहूर्त के हिसाब से एक बही या छोटी मोटी बही ले जाके मुहूर्त दिवाली की पूजन करते हैं। और अब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो है जिनकी शादी ब्याह चलती है तब ये भइयों का बहुत महत्व उनके लिए रहता है जो इनके अंदर उनका हिसाब किताब रखते हैं। उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित दीपावली मेले में हंसने और हंसाने वाले के नाम रही है लाफ्टर चैलेंज के रनर अप। कॉमेडी की हम बात कर रहे हैं, किंग हैं केतन सिंह ने अपनी कलाओं से शहरवासियों को खूब गुदगुदाया। केतन ने कार्यक्रम में ऐसा माहौल बना दिया कि दीपावली से पहले ही हंसी की फुलझड़ियां छूट गई। मंच पर पहले हास्य कलाकार मुन्ना ने प्रस्तुति दी और फिर केतन द्वारा राजस्थान पर दी गई प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब हंसाया। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, सही कह रहा हूं, वो तो मीनार पर चलकर उसको भी झुका सकता है। फिर मेरी बारी है, ये से पूछा।